दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निज़ाम। एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। बिटकॉइन या क्रिप्टोकरेंसी मार्केट गिरने वाली है या ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, इस पर बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, यहां पर कॉइन मार्केट कैप पर हम आ गए हैं। यहां पर हम समझेंगे, थोड़ा सा डेटा एनालाइज करेंगे बिटकॉइन का, बाकी क्रिप्टोकरेंसी मार्केट का। हमारे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर किया करें। जो लोग नए हैं चैनल पर, वो पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। उससे ये होगा कि हमारे जो भी अपडेट्स होंगे वो लगातार आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन के प्राइस की, तो हम देख सकते हैं 47,000 के नियर अबाउट चल रहा है, जिसमें 4% की गिरावट है और 7 दिनों में लगभग 8% की गिरावट है। उससे पहले अगर यहाँ पर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को देख लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि 2.13 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पर हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन दिख रही है, जिसमें लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। और अपने हर वीडियो में मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ कि मार्केट की कैपिटल धीरे धीरे डाउन हो रही है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 5.43% की गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है 24 आवर्स में, जो कि एक अच्छी खासी गिरावट बोली जा सकती है, छोटी गिरावट नहीं बोलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन के अलावा इथेरियम की बात करते हैं, बाइनेंस कॉइन की बात करते हैं, सोलाना की बात करते हैं, तो सोलाना भी आप देख लो काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया है। 7 डेज में लगभग 22% डाउन है। तो यहाँ पर हम समझेंगे आज के इस वीडियो में कि यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी बाइंग की बनेगी, नहीं बनेगी, या मार्केट ने यहाँ से एक बेयर ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। देखो, एक महीने पहले भी मैंने आपको ये अलर्ट दिया था कि मार्केट दिसंबर के महीने में कुछ डाउन ट्रेंड मूवमेंट कर सकती है। आप देख सकते हो कि दिसंबर का महीना चल रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड मूवमेंट ही कर रही है। उसके अलावा हम और नीचे अगर चलते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी क्रिप्टोकरेंसी इसको देखते हैं, तो इसका चार्ट हमें रेड देखने को मिल रहा है। 7 डेज़ के चार्ट होते हैं यहाँ पर, ये जो आप देखते हो, ये 7 डेज़ के चार्ट होते हैं, और ऑलमोस्ट हमें मार्केट गिरती ही नज़र आ रही है, यानी कि रेड बाथ में नहाती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर हमें आगे क्या करना है, ये स्ट्रेटजी को समझना होगा। देखो, शिबा इनू को मैंने काफ़ी वीडियोस डाले, आपको अलर्ट किया कि शिबा इनू नीचे जा सकता है, शिबा इनू नीचे जा भी रहा है। उसके अलावा डॉज की अगर बात करेंगे तो 15 सेंट के आसपास जा रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा नीचे है अपने, 26-27 सेंट पर ट्रेड कर रहा था, वहाँ से 15 सेंट एक अच्छी खासी गिरावट बोली जा सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि मेटिक भी 21% डाउन है। काफ़ी क्रिप्टोकरेंसीज यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड मूवमेंट लेती दिख रही हैं। तो अब हम चलते हैं चार्ट पर, वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा, इससे पहले भी मैं एक दो वीडियोज़ में वो चीज़ दिखा चुका हूँ आपको, लेकिन आप लोगों ने शायद उस पर ध्यान दिया नहीं दिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस वीडियो में मैं फिर उस पर ध्यान आपका आकर्षित करूँगा। तो चलो, यहाँ से चलते हैं चार्ट पर, समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम आकर पहले BTC USD के पेयर की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर BTC की बात करना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, क्लियर कट एक एम पैटर्न मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया, उससे पहले भी एक वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि वीकली चार्ट पर एक एम पैटर्न क्रिएट हो रहा है, और इस एम पैटर्न को हम हल्के में नहीं ले सकते। यानी इसको हमें समझना होगा कि जब टॉप पे जाकर एम पैटर्न बनता है, तो वहाँ से कुछ मामला बनता है डाउन का। अगर आप देखोगे तो ये एम पैटर्न का जो दूसरा पॉइंट था, यहाँ से प्राइस नीचे भी गिरा, यानी 69,000 से लगभग 42,000 तक प्राइस देखने को हमें मिला। आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं फिर एक बार दिखा देता हूँ कि अगर हम इस तरह से इसको देखेंगे, तो ये एक एम पैटर्न है जो नीचे धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। तो ये सारे सपोर्ट मैंने आपको दिए हैं बिटकॉइन के, इसलिए अगर हमें पहले से सपोर्ट मालूम होते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो टेक्निकली हर चीज़ को समझा करो, और अगर आप थोड़ा सा फंडामेंटल का ज़्यादा रुझान रखोगे, तो उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा आपके ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है। देखो, मार्केट जब गिरने वाली थी, तो यहाँ पर ये एम पैटर्न ने अपने आप को शो कर दिया था कि यहाँ पर टॉप पर एक एम पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पर है, और आगे में भी गिरावट कर सकता है अगर ये सपोर्ट तोड़ता चला गया। ठीक है, इस तरीके के सपोर्ट अगर टूटते चले गए, तो यहाँ पर गिरावट हो भी सकती है। हालांकि बिटकॉइन का तो हिस्ट्री है, यहाँ पर अगर आप देखो कि बिटकॉइन एक टॉप बनाता है और गिरता है, बहुत ज़्यादा गिरता है, तो 200 पीरियड का सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर उछाल मारता है, और फिर गिरता है, फिर 200 पीरियड का उछाल मारता है, और फिर ऊपर चलता है। तो क्या हम 200 पीरियड तक जा सकते हैं? अगर 200 पीरियड तक दोस्तों अगर हम यहाँ पर सपोर्ट लेते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्केट 20,000 तक भी आ सकती है अगर गिरने पाई, अगर बेयर ट्रेंड स्टार्ट हो गया तरीके से, तो मार्केट 20,000 भी हमें दिखा सकती है। अभी यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 20,000 ही दिखाएगी, लेकिन इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है
बिटकॉइन एंड ऑल ऑल्ट क्वाइंस की एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के वीडियोस जब आप देखोगे तो बिटकॉइन से रिलेटेड और ऑल्ट क्वाइन से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस में मिलेंगे, तो वहाँ पर उस पर जाकर आप देख सकते हो, समझ सकते हो। अब अगर यही चार्ट को हम पीछे से उठाते हैं तो हम यहाँ पर भी देखेंगे कि देखो जब मार्केट यहाँ से गिर के नीचे आई थी तो इसने 200 पीरियड का ही सपोर्ट लेकर एक ज़बरदस्त रैली लगाई थी। तो कहने का मतलब यह है कि बिटकॉइन ने, अगर हम बिटकॉइन के होल सोल चार्ट को बिल्कुल पीछे से करके देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर, तो हम देखेंगे कि इस पॉइंट ये हाइप लगने के बाद लगातार बिटकॉइन 200 पीरियड का सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर अगर जो समझदार बंदा होगा वो ये सीखेगा, समझ लेगा कि बिटकॉइन जब 200 पीरियड के सपोर्ट पर आता है, देखो ये मूविंग एवरेज टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, जैसे आज आप देख रहे हो तो ये कहीं पर दिखेगा, 10 दिन बाद देखोगे तो ये मूविंग एवरेज का पॉइंट कहीं पे होगा, 1 साल बाद देखोगे तो मूविंग एवरेज का पॉइंट कहीं और होगा, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज का मतलब ही है मूविंग एवरेज, यानी मूव करते रहना मार्केट के साथ, जो भी इसका एवरेज पॉइंट प्राइस निकाला जाता है उसके साथ इसको मूव करना। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि 200 पीरियड पर एक सपोर्ट होता है बिटकॉइन का, जो एक बॉटम बोला जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं टोटल 2 पर। बिटकॉइन के बारे में मैंने जो बहुत एक ऐसी चीज़ आपको बताई है, अगर आप उसको देखोगे समझोगे, आपको ट्रेडिंग नहीं भी आती है तो आप बिटकॉइन का यानी क्रिप्टो करेंसी मार्केट का बॉटम पता लगा सकते हो कि कैसे बन सकता है, और उसको समझना जो मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे टोटल 2 की, तो काफ़ी लोगों को मालूम है टोटल 2 क्या होती है, काफ़ी लोगों को नहीं मालूम, तो मैं बता देता हूँ। टोटल 2 मीन्स बिटकॉइन की मार्केट कैपिटलाइजेशन को अगर हटा दिया जाए और बाकी एथेरियम से लेकर जितनी भी अल्ट कॉइन्स हैं इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को जोड़ा जाए तो उसको बोलते हैं टोटल 2। तो ये कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक इंडेक्स बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 2 रेड कलर की लाइन्स लगाई हैं, 2 ग्रीन कलर की लाइन लगाई हैं, तो जो कि सप्लाई एंड डिमांड जोन को यहाँ पर दर्शाती हैं, दिखाती हैं। तो ये हमारी डिमांड जोन हो गई, ये हमारी सप्लाई जोन हो गई। अब यहाँ पर दोस्तों मुझे क्यों लग रहा है कि मार्केट नीचे आ सकती है, क्योंकि देखो हमें सब कुछ देख के चलना होता है, वीकली चार्ट है यहाँ पर भी, और अगर आप देखोगे तो छोटा सा एक एम पैटर्न यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है, यानी जिसको बोलते हैं डबल टॉप। अब यहाँ पर दोस्तों हम एक चीज़ आपको दिखाते हैं इसके साथ कंबाइन करके, जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि BTC की डोमिनेंस का चार्ट अगर कंपेयर किया जाए टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 से, तो हमें बहुत अच्छा सिनेरियो मिल जाता है कि मार्केट कब कब ऊपर जाएगी और कब कब नीचे जाएगी। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं इसको, तो ये है मार्केट कैपिटलाइजेशन का चार्ट, ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन का चार्ट है ऑल्ट कॉइंस की, नीचे BTC डोमिनेंस का चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखो BTC.D यानी BTC डोमिनेंस, ये टोटल टू मीन्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट ये बिल्कुल विपरीत चलते हैं, अगर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरब की तरफ जा रही है तो BTC डोमिनेंस पश्चिम की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि देखो अगर हम इस एरिया को देखेंगे तो इस एरिया पर बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो एक सप्लाई और डिमांड जोन में ट्रेड कर रही है, यानी इस सप्लाई जोन से नीचे गिरी थी तो यहाँ पर राइज देखने को मिला था, किसमें, ऑल्ट क्वाइंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन में। अभी मैं देखो इसको तरीके से आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। अब ये हिस्से को अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि जब ये देखो इस पॉइंट पर ये BTC डोमिनेंस नीचे गई और यहाँ से इसमें राइज मिला मार्केट कैपिटलाइजेशन में, यानी कि एक रैली लगी ऑल्ट क्वाइंस में। उसके बाद देखो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो अपनी डिमांड जोन में, और बिटकॉइन की डोमिनेंस कभी भी इस डिमांड जोन से नीचे नहीं गई है। अगर आप पूरा चार्ट देख लोगे तो आपको इस डिमांड जोन से नीचे जाती नहीं दिखेगी। BTC डोमिनेंस डिमांड जोन में है और यहाँ पर ये जो ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये अपनी सप्लाई जोन में है। आई बात समझ में? तो यानी कि एक विपरीत डायरेक्शन हो रहा है, दोनों में डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि अगर ये मार्केट इस तरीके से डोमिनेंस ऊपर चलती है BTC की तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे आ सकती है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और समझना है चीज़ों को। तो यहाँ पर हम चार्ट को रिफ्रेश कर लेते हैं और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखोगे तो देखो मैंने ये पॉइंट आपको दिखाया था जो थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते थे कि ये डिमांड जोन यहाँ पर बन रही थी, ये सॉरी यहाँ पर सप्लाई जोन,
बीटीसी की डोमिनेंस आ रही थी और यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन लगातार यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड कर रही थी। यहाँ से इसका ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर चलने लगी और साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स के प्राइस भी बढ़ने लगे। देखो होता यही है ना कि ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन तभी बढ़ती है जब उसका प्राइस बढ़ता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये चीज़ समझो, अगर यहाँ पर चार्ट को श्रिंक करते हैं तो और अच्छे से हमें यहाँ पर समझ में आ सकता है। देखो यहाँ पर इस तरह से हम देखेंगे इसको बिल्कुल श्रिंक करके, आप देख सकते हो कि जब बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ पर इस तरह से ट्रेड कर रही थी तो यहाँ पर ये एक रेंज में ट्रेड हो रहा था, डोमिनेंस नीचे गिरी और ये ऊपर चला गया। उसके बाद डोमिनेंस जैसे ही सप्लाई जोन में आई, डोमिनेंस जैसे ही डिमांड जोन में आई और यहाँ से ऑल्ट कॉइन की मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे गिरने लगी। देखो चार्ट ये शेयरिंग है तो इतना छोटा छोटा मूव आपको दिखाई पड़ रहा है, मत समझना। उसके बाद यहाँ से जब ये ऊपर चली तो ये देखो धीरे धीरे इसने यहाँ पर जिगजैग करना शुरू किया और जैसे ही ये सप्लाई जोन से जाकर नीचे डाउन आई ये ऊपर चलने लगा। तो यहाँ पर अभी हमें अलर्ट होना है, अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि वीकली चार्ट पर काफ़ी दिनों से यहाँ पर मार्केट बीटीसी की डोमिनेंस की मार्केट यहाँ पर एक डिमांड जोन में ट्रेड कर रही है और यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स की जो मार्केट कैप है ये सप्लाई जोन पर ट्रेड कर रही है। अभी यहाँ पर देखो ये जिगजैग कंडीशन बनेगी, यहाँ पर ये जिगजैग कंडीशन बन रही है तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर अलर्ट रहना है। बस ये छोटी सी अपडेट थी, यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। बीटीसी के प्राइस का एनालिसिस भी आपके सामने किया है और साथ साथ बीटीसी के सपोर्ट भी मैंने आपको चार्ट पर दिखा दिए। उस बीटीसी के जो सपोर्ट हैं वो अपने चार्ट पर लगा लेना। मैं मैनुअली भी बता दे रहा हूँ कि बीटीसी अभी 47,000 से अगर नीचे आता है तो हम 42,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद का जो मेजर सपोर्ट होगा वो 30,000 पर होगा। तो यहाँ पर हमें समझना है चीज़ों को और ध्यान से ट्रेडिंग करनी है, घबराना बिल्कुल नहीं है। मार्केट का गिरना, मार्केट का चढ़ना, ये मार्केट के फेज़ होते हैं। अगर मार्केट गिरेगी नहीं तो आप बाई नहीं करोगे, मार्केट चढ़ेगी नहीं तो आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे। तो ये मार्केट है, आज गिरी है तो कल चढ़ेगी ज़रूर। फिलहाल यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस अपनी डिमांड जोन में है, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अपनी सप्लाई जोन में है, दोनों विपरीत डायरेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई एक जीतेगा और दूसरा हारेगा, तो यहाँ पर हमें इस पर नज़र बना के चलनी है। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करूँगा ये यूनिक सा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि क्रिप्टो करेंसी के जो लवर्स हैं इंडिया में वो इसका फ़ायदा उठा सकें। अब मुझको इजाज़त दो, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, नेक्स्ट अपडेट मिलता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।